वेलकम टू जीज जायका किचन। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बकरा ईद से रिलेटेड स्पेशल डिश लेकर आई हूँ। जी हाँ जी, आज मैं आपको बताऊँगी स्टू बनाने का तरीका, ये मटन स्टू कैसे बनता है और इनके लिए जिन जिन चीज़ों की हम लोग को ज़रूरत है वो मैं सब आपको बता दूँ। यहाँ पे मेरे पास मटन है 1 kg, आपकी मर्ज़ी, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 1/2 किलो के करीब, और टमाटर लिए हैं यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 किलो के करीब, और इसके अलावा हल्दी पाउडर 1 teaspoon, नमक आप हस्ब जायका यूज़ कर सकते हैं, और कुटी हुई मिर्चें 1 tablespoon, ज़ीरा है ये सूखा धनिया मैंने क्रश कर लिया है, और इसमें गरम मसाले में मेरे पास है यहाँ पर दालचीनी के 2 टुकड़ियाँ, 1 इलायची है, ज़ीरा है, लौंगे हैं, तेज़पात है, 7 से 8 काली मिर्ची हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। आपने मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, मैंने कुकर में ले लिया 1 कप कुकिंग ऑयल, आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऑयल में बनाना चाहते हैं या फिर आप इसको घी में बनाना चाहते हैं। जो प्याज मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे 1/2 किलो के करीब, इसको मैंने स्लाइस किया था तो इसको मैंने ऑयल में डाल दिया, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। कलर इसका ब्राउन नहीं करना, मैं इसको सोते करूँगी, बस हल्का सा ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो देन इसके अंदर मैं तेज़पात डाल दूँगी, गरम मसाले में ये दालचीनी और बड़ी इलायचियाँ और लौंगे, काली मिर्चें, ज़ीरा अभी मैं थोड़ी देर के बाद डालूँगी। ये इसको डालने के बाद इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि ये इन सब चीज़ों का अरोमा कुकिंग ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनती है रेसिपी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बकरा ईद में तो ज़बरदस्त बनेगी, गोश्त बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद होगा, तो आप मज़े मज़े की रेसिपी ये ट्राई कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं जनाब, ये मैंने इसके ऊपर कलर नहीं लेके आना, ये बड़े छोटे सब बच्चों को बहुत पसंद होता है, ये बहुत ज़्यादा यमी है क्योंकि इसमें शोरबा वगैरह नहीं होता, बच्चे और बड़ों को ज़्यादातर ये भुनी हुई चीज़ें पसंद है। इसके अंदर ये मैंने मटन इस्तेमाल की है, बकरे का गोश्त बहुत ज़बरदस्त था, आप देख रहे हैं। आप भी ये ही रेसिपी को आप चिकन में और बीफ में भी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है, इसका कलर चेंज हो गया। इसके अंदर मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको मैं खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। हर घर में मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मसाले, जिसमें ज़ीरा था, नमक, काली मिर्च, थोड़ी कुटी हुई मिर्चें थी, हल्दी थी, ये डाल के खूब अच्छी तरीके से मैं इसको भून रही हूँ। इसमें मैं बाज़ार के मसाले बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, आपको मैं कहूँगी कि आप घर के मसालों के साथ ही कुकिंग किया करें, क्योंकि बाज़ार के मसालों में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी, और डालने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, और क्या खूबसूरत कलर निकल के आ रहा है इसमें से, और खुशबू मेरे किचन में बहुत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और दूर दूर तक जा रही है इसकी खुशबू। जब ये मैं रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद में बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल हुए हैं, और जिन स्टेप्स को मैं बता रही हूँ इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इसको कुक करना है। तो आप देखिएगा डिटो, आप बिल्कुल ही मेरी तरह ही आप बनाएंगे, जैसे आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार यम्मी बनेगी ये। इसमें मैंने पानी इतना ऐड कर देना है कि जिसमें ये गोश्त गल जाए और ये टमाटर वगैरह बिल्कुल मैश हो जाए। अब मैं इसको, आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर पानी डाला है, पानी डालने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन उस वक्त तक जब तक ये कुक ना हो जाए। इसको मैं वेट लगा दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट का। प्रेशर में कुक करने के बाद जनाब इसकी लुक निकल के ये आई है, आपके मज़ेदार किस्म का मटन स्टू तैयार है। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही यमी बना है, आप अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा और ईद पर स्पेशल बनाइएगा मेहमानों के लिए। अगर तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।